सबसे पहले तो आभार प्रकट करना था, इसकार का ये था, धन्यवाद कार्यक्रम भी था। उसके अतिरिक्त एक पब्लिक दरबार जिसमें बैठ करके समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से उनके विषयों की जानकारी ली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा जमीन का कार्यकर्ता है, ये जमीन से जुड़े हमारे समर्थक है, उनको अपनी बात कहीं ना कहीं पहुंचाने में कठिनाई महसूस होती है, पहुंच के कारण या उनकी पहुंच नहीं है। तो ये बात जब बार बार आ रही थी तो हमें ये ध्यान में आया कि हम एक नए तरीके की शैली प्रारंभ करेंगे, ताकि स्वयं ही वित्त के बंधनों को दूर करके जो हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और जमीनी स्तर के समर्थक हैं और जमीनी स्तर के हमारे मतदाता भी हैं और नागरिक भी हैं, उनके बीच में बैठ करके जिला प्रशासन को साथ में रख करके उसी समय ऑन द स्पॉट के जो भी छोटे मोटे विषय हैं उनका निवारण किया जाए। इसके अतिरिक्त मीडिया के माध्यम से मैं ये भी चाहूँगा कि आपके द्वारा जनता तक ये बात पहुँचे कि पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से जनता ने हमें समर्थन दिया और मोदी जी का आशीर्वाद रहा, रूवा उधमपुर डोडा शायद देश का सबसे ज्यादा विकसित चुनावी क्षेत्र रहा लोकसभा का। यहाँ 3-3 मेडिकल कॉलेज प्राप्त हो गए होंगे। अगर आप कठुआ की ही बात करें तो उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क आया, उत्तर भारत का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट आया, मात्र एक पंचायत के लिए 150 करोड़ रुपए कीड़िया घड़ियाल का पुल निर्माणित हुआ, लगभग एक दर्जन पुल यहाँ निर्माणित हुए, जैसे जिखाना का पुल है, अटल सेतु है, और एक के बाद एक हर 2 किलोमीटर पर कोई ना कोई आपको विकास का स्मारक दिखाई देगा। उसमें पासपोर्ट के दफ्तर भी हैं, उसमें महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति। अब ये 10 वर्ष हमारे समर्पित थे उन कुताइयों की पूर्ति के लिए जो रह गई थी, जो हमें लगता था कि यहाँ होना चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि पिछली सरकारों की भेदभाव की जो राजनीति थी या वो डर रही थी। और अब हम चाहेंगे कि जहाँ हम इन विकास के कार्यों को कंसोलिडेट करें, वहाँ साथ ही साथ कुछ सामाजिक कार्य, क्योंकि विकास के कार्य को जब प्राथमिकता मिली तो शायद सामाजिक कार्यों को उतना ध्यान नहीं मिल सका, उनकी तरफ हम अधिक प्राथमिकता। उससे उसकी दृष्टि से सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से ये बात पहुँचे कि 3-4 ऐसी कुरीतियाँ हैं जो हम कहने में संकोच करते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर से समाज को खोखला करने का काम करती है। सबसे पहले तो हमने जिला प्रशासन को भी बधाई देनी है, 25 गैर कानूनी क्रशर्स के खिलाफ कार्रवाई की, और आइंदा से आपका भी सहयोग अपेक्षित रहेगा, समाज का भी, और इसमें समाज का सहयोग है, तो समाज के ही लोग प्रभाव डाल करके कार्रवाई होने को रोक लेते हैं। जहाँ कहीं भी कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, गैर कानूनी क्रशर चल रहा है और इलीगल माइनिंग हो रही है, उसकी रोकथाम करने में किसी तरह की कोई लिहाज नहीं किया जाएगा, कोई उस तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत दुख होता है, बड़ा खेद होता है। हमें आकर के बहुत सारी कंपनीज ने आके ये बात रखी, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के कर्मचारियों ने, बीआरओ ने, कि जितने शौक से ये पुल बनाए गए थे, कीड़िया घड़ियाल, अटल सेतु, जिठाना का पुल अभी जेरे तामीर है, उनकी नींवें, उनकी बुनियाद, उनकी फाउंडेशन को खोखला कर रहे हैं ये इलीगल माइनर। और कुछ एक लोगों को चोरी का पैसा कमाने के लिए हरे सारे समाज को संकोच में रह करके हम ये जब बात करते हैं तो हम भी इसमें पाप के भागीदार बन जाते हैं। और साथ ही साथ गैर कानूनी तौर पर हड़प की हुई जमीन, चाहे किसी गरीब की है चाहे सरकार की है, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना हम में से कोई खुद गैर कानूनी क्रशर लगाएगा, ना हम में से खुद कोई गैर कानूनी जमीन पर कब्जा करेगा किसी गरीब का हक छीन करके, और ना ही हम किसी और को करने देंगे। हम इस संकल्प के साथ चले। तीसरा, जो नशाखोरी, कई बार बड़ा शर्म का सामना करना पड़ता है कि कठुआ को अब प्रवेश द्वार कहा जाने लगा, पंजाब से नशा की दवाइयां, ड्रग्स जाकर के अब रियासी और दूसरे जिलों तक पहुंच रही है, उसको लेकर के भी पुलिस प्रशासन से बात हुई है, भिन्न भिन्न स्तर पर इसमें कार्रवाई की जाएगी, पुलिस आइडेंटिफाई करेगी स्पॉट्स जहां पर इसको इकट्ठा किया जाता है, इसकी चैनल्स को रोकने का काम होगा, कार्रवाई ऐसी होगी जो डेटरेट होगी, और सामाजिक स्तर पर आप और हम, मैं फिर से कहूंगा आप और हम सब मिल करके ये बात उन लोगों तक पहुंचाएं जो ड्रग एडिक्शन का धंधा करके अपना कमाई कर रहे हैं, कि वो ये ना सोचें, वो ये ना सोचें कि दूसरों के बच्चों को खराब करके वो दौलत कमा रहे हैं, ये दूसरों के बच्चों को जो वो खराब कर रहे हैं कल वो उनके बच्चों को भी ये चीज दवाई का सेवन करवा सकते हैं।
यदि इस तरह की जागृति होगी और इन तीनों कुरीतियों के साथ जुड़ा है आतंक। पिछले दिनों कुछ एक आतंक की घटनाएं हुई, निंदनीय तो है ही है, पाकिस्तान से जो आए थे घुसपैठी उनका भी काम था, लेकिन हम बार बार ये कह दें कि पाकिस्तान ने किया तो ये पर्याप्त नहीं है। हमने अपने आप से अपनी अंतरात्मा से पूछना कि हमने क्या किया, और जब तक ये कुरीतियां समाज में रहेंगी, चाहे वो नशाखोरी ड्रग अब्यूज की हो, चाहे वो गैर कानूनी तौर से इलीगल माइनिंग करके पैसे कमाने की हो, तो ये कुरीतियां हमारे नौजवान को, हमारे नागरिक को कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर कमजोर करती है, समझौता करने के लिए मजबूर करती है, और उसके चलते कहीं ना कहीं आतंक को भी बढ़ावा मिलता है। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि हमें मीडिया का भी सहयोग इसमें रहे, समाज के विभिन्न वर्गों का भी, पार्टी कोई हो, नेशन फर्स्ट का आह्वान लेकर के हम निकले थे, किसी भी पार्टी से किसी का ताल्लुक क्यों ना हो, किसी भी समुदाय से किसी का ताल्लुक क्यों ना हो, अगर वो गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसको किसी भी तरह से बख्शा ना जाए। सर, कैसा आपको सर कहा जा रहा है कि आज कठुआ के दर्दों की नबज पकड़ी गई है, जो मुद्दे आपने गिनवाए, जिन मुद्दों पर काम करने के लिए आज आपने बल दिया, वो बेसिक मुद्दे थे और परेशान थी जनता। क्या देखते हैं इस निर्णय से सुगम सरकार और सरकार आपके द्वार की नीति जो है वो यहीं से शुरुआत हुई? जहाँ तक हमारा सामर्थ्य रहेगा, पर मुझे विश्वास है कि हमें समाज का सहयोग रहेगा। हमने समाज का कोई भी समुदाय हो, उसकी कोई भी विचारधारा हो, उसका कोई भी राजनीतिक विश्वास क्यों ना हो, लेकिन ये एक ऐसी कुरीतियां हैं जो हर व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि वो गैर कानूनी काम करके या गैर कानूनी तस्करी करके, उसमें पशु तस्करी की भी आज हमने जी भुवेंश भी, और वो अगर पैसे कमा रहा है या दूसरे के बच्चों को नशे की आदत डाल करके पैसे कमा रहा है, तो ये ना भूले कि दूसरे के बच्चे उसके बच्चे की ही सोबत में रहते हैं, उनके बच्चों को भी खराब करते हैं। सर, आतंकवाद को लेकर बीडीजी के को रिवाइवल का आतंकवाद खत्म हो गया, देख रहे हैं कि अब यहाँ पे जो है आतंकवादी बीडीजी को रिवाइवल करने के लिए चौकी की बात की आपने। ऐसा था कि पिछले दिनों में हमारे गृह मंत्रालय में भी निरंतर संपर्क बना रहा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब के साथ भी बैठा हुआ, जनरल द्विवेदी के साथ हुआ। यूं था कि अब चूंकि सब हम जानते हैं कि कश्मीर में दबाव पड़ा और ये लोग यहाँ शिफ्ट हो गए इनका फोकस, और हमारी तरफ से आह्वान था कि यहाँ पर सेना को भी लाया जाए, अर्ध सेना बल तो पहले से ही जीएसएफ, तो सेना के आने में के बाद अब एक नई स्ट्रेटेजी के तहत काम किया जा रहा है। उसकी पूरी व्याख्या सार्वजनिक तौर पर नहीं की जा सकती, लेकिन जैसे आपने कहा कि पहाड़ों पर भी पोजीशन ले ली गई है, ताकि कभी कभी जो एम्बुश होता था ऊपर से उसमें भी रोकथाम हो, अनेकों कई और भी ऐसे तरीकेकार अपनाए गए हैं। उसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी पूरा सहयोग दे रही है, हमारे कठुआ के एसएसपी भी पिछले दो चार दिन से पहाड़ों पर ही हैं, और मुझे विश्वास है कि आने वाले एक सप्ताह के भीतर ही यहाँ पर हालात सामान्य हो जाएंगे। हमारे लोगों का मनोबल घटा था, विशेषकर लुडू बसंतगढ़ इत्यादि में जब हुआ, तो वहाँ पर भी हमारे निवेदन और हमारे आग्रह से वहाँ सेना बल पहुंच गया और सेना की वहाँ चौकियां बनी है, जिससे लोगों का मनोबल भी बढ़ा है। सर, आपके आगे क्या रहा, आपके आपने बीडीसी को बीडीसी का रिवाइवल की बात की, बीडीसी का रिवाइवल हो रहा है और पहले से ज्यादा बेहतर उसका रख रखाव रहेगा। आपने अपने कार्यालय लोगों को कितनी सहूलियत मिलेगी, जो काम अटके रहते थे, परेशानी होती थी, अब आपके कार्यालय जिला में आपने कहा कि और एक्टिव कर दिए जाएंगे। कठुआ में पहले से था मुखर्जी चौक पर, लेकिन उसको अधिक सक्रिय जी, और अधिक सक्रिय इसलिए कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि उनको कहीं जिला प्रशासन के ऑफिस में जाने में दिक्कत आती है, तो मैंने कहा कि हम ये भी एक कंपोनेंट ऐड कर देंगे, कुछ एक वहाँ पे भी हमारे ही लोग वहाँ से उनके निवेदन पत्र लेकर के जिला कार्यालय तक पहुँचा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करने की आपने बात की सर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने मजबूती करने की बात की, जो लोग सरकार कड़ी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन समाज का भी कोई दायित्व है, इसलिए मैंने कहा बार बार कह दें पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए, वो पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान शरारतें 1947 से कर रहा है, आगे भी करेगा, वो तो आपके कहने से मानेगा। हम क्या कर रहे हैं सवाल ये है, और हमने अपनी अंतरात्मा से पूछा है, और इसीलिए मैंने कहा कि हमारा अब प्राथमिकता में रहनी चाहिए वो सामाजिक कुरीतियां, जिसके लिए कठुआ जैसे क्षेत्र को बुरा नाम भी मिलता है।